जैसा कि आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं डिस्प्ले के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर रजिस्टर, कैपेसिटर, मल्टीमीटर या स्पीकर, रिंगर, माइक, ट्रांजिस्टर, डायोड, एक एक करके हमने सब चीज़ों के बारे में चेक करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो चेक भी कर रहे हैं, लगातार मुझे बता भी रहे हैं और अगली वीडियो के लिए मांग भी रहे हैं कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, अब अगले का टॉपिक क्या होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्प्ले के बारे में सीखने वाले हैं कि डिस्प्ले के बारे में क्या होता है, डिस्प्ले क्या काम करता है, मोबाइल फ़ोन में क्या डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले को कैसे पहचाना जाता है, डिस्प्ले मार्केट में वही डिस्प्ले 500 रुपए की आती है, वही डिस्प्ले 1000 रुपए की आती है, वही डिस्प्ले 3000 रुपए की हो जाती है, ऐसा उसके अंदर क्या चेंजेस हो जाता है। सबसे पहली बात क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कोई भी चीज़ के पैसे होते हैं ना वो सब क्वालिटी के पैसे होते हैं। मैं कहता हूँ आप एक बुल्ट लेने गए, छोटा सा एक बुल्ट लेने जाते हैं, वो बुल्ट अगर लोहे का होता है तो क्या होता है, सस्ता होगा। अगर उस बुल्ट को लेने जाएंगे वो स्टील का मिलेगा तो जाहिर सी बात है उससे महंगा होगा। अगर आप बुल्ट लेने जाते हैं वो पीतल का होगा तो वो उससे भी ज़्यादा हाई होगा, उससे भी ज़्यादा महंगा होगा, जबकि बुल्ट वही है, साइज वही है, सेम वही, सब कुछ वही है। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ में हो रहा है, फ़र्क किस में हो रहा है, सिर्फ क्वालिटी में फ़र्क हो रहा है। जितना ज़्यादा क्वालिटी बेहतर होता जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा, वही चीज़ें उसमें बदलाव होते जाएंगे, उसकी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। ऐसा ही सेम हमारे डिस्प्ले में ही होता है। अब हम बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले क्या होता है कि ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन नहीं बना जिस मोबाइल फ़ोन में डिस्प्ले ना लगा हो। अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर डिस्प्ले नहीं तो समझ लीजिए मोबाइल फ़ोन ही नहीं है। तो सबसे पहली मेन बात है कि हम बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले सेट का मेन पार्ट है जो चित्र दिखाता है। डिस्प्ले सेट का मेन पार्ट है जो चित्र दिखाता है। डिस्प्ले का काम क्या होता है मोबाइल फोन में, चित्र दिखाना, मतलब ग्राफिक्स देना, ये डिस्प्ले का काम होता है। तो डिस्प्ले सेट का मेन पार्ट है जो फ़ोन में क्या काम करता है, चित्र दिखाता है। डिस्प्ले की क्वालिटी की वजह से मैं कहता हूँ अगर आपका फ़ोन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो अच्छा कब लगेगा जब उसकी डिस्प्ले की क्वालिटी होगी। अगर डिस्प्ले की क्वालिटी नहीं होगी तो फ़ोन आपका क्या हो जाएगा, बेकार लगेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें जो भी सारी चीज़ें दिखाई देंगी वो बेहतर नहीं दिखाई देंगी। वो बेहतर कैसे दिखाई देंगी, जब उसकी डिस्प्ले बेहतर होगी। तो डिस्प्ले सेट का मेन पार्ट है जो क्या काम करता है, चित्र दिखाता है। यह दो टाइप की होती है डिस्प्ले, जो होती है दो प्रकार की पाई जाती है। एक तो सबसे पहले डिस्प्ले होती है जिसे हम बोलते हैं सोल्डरिंग डिस्प्ले। कौन सी डिस्प्ले बात करते हैं, सोल्डरिंग डिस्प्ले। दूसरी डिस्प्ले होती है जिसे हम लोग बोलते हैं जैक डिस्प्ले। सबसे पहले डिस्प्ले पाई जाती है आपके मोबाइल फ़ोन में सोल्डिंग डिस्प्ले। कौन सी होती है, सोल्डिंग डिस्प्ले। दूसरी डिस्प्ले होती है आपकी जैक डिस्प्ले। जैक का मतलब क्या होता है, जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन में पाई जाती है कि आप उसे नॉर्मली ऐसे लॉक की तरह लगा सकते हैं। सोल्डिंग डिस्प्ले वो होती है जो कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन में लगे होते हैं, कि जो कीपैड के मतलब फ़ोनों में पाई जाती है, उसको आयरन से सोल्ड किया जाता है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्प्ले जो बनी होती है ये आपका जैसे डिस्प्ले है, डिस्प्ले में ये वाला जो पार्ट होता है जैसे सोल्डिंग का पार्ट है, मैं सोल्डिंग वाली बना रहा हूँ, पहले आपको डिजाइन कर रहा हूँ। ये जो होती है इनको हम बोलते हैं पिनें, एक से लेकर के 17 पिन की हो सकती है, 27 पिन की हो सकती है, 47 पिन की हो सकती है, कितनी भी अलग अलग पिन की हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर लिखा होता है FPC16A2Z, ये डिस्प्ले का क्या होता है, इसे हम बोलते हैं वर्जन नंबर। क्या बोलते हैं, वर्जन नंबर। ये डिस्प्ले की क्या होती है, पिनें होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्जन नंबर। ये डिस्प्ले के ऊपर ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर बल्ब लगे होते हैं। डिस्प्ले के आगे अगर देखेंगे तो फ्रंट में ही आपको डिस्प्ले का ऐसा इतना एरिया होता है, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये वाला पत्ता और डिस्प्ले आपस में ऐसे ज्वाइंट होते हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई फोल्ड होते हैं, ये सिर्फ क्या होते हैं, गम के द्वारा, ग्लू के द्वारा ऐसे पेस्टिंग होती है, उनके चिपके हुए होते हैं। तो अगर ये हमारा डिस्प्ले का सबसे बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है, अगर हमारा गिर जाता है, दब जाता है, फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे ज़्यादा ख़राब होने के यहाँ से चांसेस रहते हैं। अगर आप मार्केट में डिस्प्ले लेने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले वो फोल्डर को या काम्बो को या कोई भी डिस्प्ले होगी उसको ऐसे टेढ़ा करके देखेगा, उसको टेढ़ा करके ये देखता है कि उसका कहीं से क्रिस्टल टूटा हुआ तो नहीं है, बस वो वही चीज़ चेक करता है। बाकी जो टूटा हुआ तो साफ दिख जाएगा,
लेकिन जो क्रिस्टल अगर टूटा हुआ होगा तो आपके डिस्प्ले में लाइनिंग आ जाएंगी, या डिस्प्ले वाइट हो जाएगी, या डिस्प्ले ब्लर हो जाएगी, या रिंकल रिंकल से आने लगेंगे, तो वो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ जाती है। अब यही जैक वाली डिस्प्ले होती है तो जैक वाली डिस्प्ले में क्या रहता है कि उसमें पत्ता लगा होता है, लॉक की तरह होता है, वो आसानी से लग जाती है, उसे हम लोग जैक वाली डिस्प्ले बोलते हैं। डिस्प्ले में दो सेक्शन हो जाते हैं, एक तो डिस्प्ले का आगे का जो हिस्सा होता है ब्लैक कलर का, उसे हम ग्राफिक्स सेक्शन बोलते हैं या ग्राफिक एरिया कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, और उसके पीछे जो लगा होता है उसे हम लोग रिफ्लेक्टर या लाइट सेक्शन कह सकते हैं। तो वो लाइट का एरिया होता है, लाइट एरिया उसे हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारे मोबाइल फ़ोन में मैंने बताया डिस्प्ले दो तरह के पाए जाते हैं, सोल्डिंग डिस्प्ले, दूसरी क्या होती है जैक डिस्प्ले। अब मैं बात करते हैं डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में समझाता हूँ कि डिस्प्ले के अंदर क्वालिटी क्या चीज़ होती है। अब बात करेंगे डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। डिस्प्ले क्वालिटी में क्या रहता है, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में सबसे पहली जो डिस्प्ले होती है उसे हम लोग बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो होती थी पहले के मोबाइल फ़ोन में पाई जाती थी, लेकिन अब बंद हो गई है। अब 7 सेगमेंट क्यों बोला जाता है, उसका रीज़न ये रहता है कि उसके अंदर डॉट्स लगे होते हैं। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसे हम लोग बोलेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इस तरीके का बना होता है, तो इसमें क्या होता है 7 डॉट होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये डिस्प्ले पहले के मोबाइल फ़ोन में आती थी, लेकिन अब ये डिस्प्ले कैलकुलेटर में या अपने मल्टीमीटर में भी इस्तेमाल होती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मल्टीमीटर में आपकी देखिए ये इस तरीके की डिस्प्ले होती है, इसे हम लोग 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 डॉट बने होते हैं। ये हमारी कौन सी डिस्प्ले होती है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है। ये आपके कैलकुलेटर्स में पाई जाती है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बाद फिर हम बात करते हैं, दूसरी डिस्प्ले आती है जिसे हम लोग बोलते हैं LCD। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का पूरा नाम क्या रहता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये LCD का पूरा नाम होता है। जितने भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में LCD पाई जाती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसकी खासियत होती है जब आप इसे दबाओगे तो हल्का सा ऐसा महसूस होगा जैसे इसके अंदर लिक्विड हो, मतलब पिलपिलाएगा, तो ऐसा लिक्विड जैसा महसूस होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं। उसके बाद तीसरी डिस्प्ले आती है जिसे हम लोग बोलते हैं TFT। TFT का पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये TFT का पूरा नाम होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये डिस्प्ले क्या रहती है, ये LCD से बहुत डाउन क्वालिटी की डिस्प्ले होती है। ये ज़्यादातर तो हमारी कंप्यूटर की जो स्क्रीन आती है उनमें पाई जाती है, या मॉनिटर्स में इस्तेमाल किया जाता है, या चाइनीज़ के जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उनमें आपकी TFT पाई जाती है। इससे रहता है कि वो उसमें एक खासियत ये रहती है कि अगर आप सीधा देखोगे तो आपको दिखाई देगा, अगर आप एंगल थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो डिस्प्ले में क्वालिटी नहीं आएगी, मतलब धुंधला धुंधलापन, काला कालापन महसूस होगा। लेकिन LCD में ऐसा नहीं होता, LCD में आप कैसे भी देखिए आपको पूरा प्योर दिखेगा, साफ़ सुथरा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, तो ये LCD रहता है। फिर मैंने आपको बताया एक अपनी और चीज़ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं LED, चौथी चीज़ होती है जिसका नाम होता है LED। LED का पूरा नाम होता है लाइट एमिट डिस्प्ले, लाइट एमिट डिस्प्ले। LED जो पाई जाती है आजकल जितने भी सारे जो स्मार्टफोन आ रहे हैं, जो अच्छी क्वालिटी के मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, उसमें सब में LED पाई जाती है। दूसरी बात क्या होता है, LED डिस्प्ले क्या होता है, जो ऐसे मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं जिसके अंदर स्क्रीन फिंगर का ऑप्शन आता है कि मतलब स्क्रीन फिंगर है, तो उसमें 100% उसमें LED पाई जाती है। इसलिए LED पाई जाती है क्योंकि जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं ना स्क्रीन फिंगर आते हैं, तो उसमें क्या रहता है उतना एरिया थोड़ा सा कटा होता है जहाँ पर आप फिंगर लगाते हैं, आप फिंगर पूरे स्क्रीन में नहीं लगाते, आप एक छोटा सा एरिया होता है। जैसे मैं कहता हूँ ये डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले में ये वाला जो अगर एरिया यहाँ पर स्क्रीन फिंगर काम करेगा तो सिर्फ आप यहीं पर फिंगर लगाएंगे तभी आपका स्क्रीन खुलेगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा देंगे तो खुल जाएगा, तो यहाँ पर आप लगाएंगे। अब होता क्या है, इसके पीछे लगा होता कैमरा, वो कैमरा क्या करता है हमारे थंब को रीड करता है। जैसे आप इसमें अंगूठा लगाते हैं कैमरा क्या करता है थंब को रीड करता है, लॉक खुल जाता है, फिर लॉक लग जाता है, फिर थंब लगाते हैं फिर लॉक खुल जाता है। तो ये होता क्या है कि ये कैमरा इसको रीड करता है। लेकिन LED डिस्प्ले क्या होती है, ये बहुत सारे माइक्रो बल्ब्स होते हैं उनसे मिलकर के बनी होती है।
इसीलिए एलईडी डिस्प्ले में ये रहता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि एलईडी डिस्प्ले में मान लिया आपके डिस्प्ले में यहाँ पर आपका कोई मैसेज लिख करके आ रहा है इतने एरिया में, तो सिर्फ इतना एरिया ही वर्क करेगा लेकिन बाकी पूरा एरिया वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसके एरिया के जो माइक्रो बल्ब्स होते हैं वो जलते हैं, बाकी पूरे एरिया में कुछ नहीं होगा। तो जाहिर सी बात होता है इससे हमारी क्या होता है, डिस्प्ले की बचत होती है। डिस्प्ले के साथ साथ क्या होता है, हमारे कहीं ना कहीं वोल्टेज की बचत होती है, वरना तो हमारा पूरा डिस्प्ले जलेगा, पूरा डिस्प्ले जलेगा तो वोल्टेज बराबर खर्च होगा, इसलिए कंपनी इतना काम करना पड़ेगा तो इतना ही वोल्टेज डाउन यूज होगा। तो इतना जो एरिया होता है ये हमारा क्या होता है, एलईडी डिस्प्ले बोलते हैं। अगर बहुत ऐसे फ़ोन आते हैं जो एलईडी डिस्प्ले में लोग क्या काम करते हैं, एलसीडी लगा देते हैं, जैसे उसका कॉम्बो आता है मार्केट में 4200 रुपये का होता है, अब आपने लेने गए तो 1700 रुपये का मिल गया, अब 1700 का आपने लगा दिया, लेकिन लगा तो दिया लेकिन काम भी करेगा सब कुछ करेगा, लेकिन बात ये रहेगी कि आप उसका स्क्रीन फिंगर बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि एलईडी डिस्प्ले होती है इसकी खासियत होती है ये ग्लास की तरह होता है। ग्लास क्या काम करता है, ट्रांसपेरेंट चीज़ों को देख सकता है कि जैसे आपने अंगूठा लगाया तो उधर जो कैमरा लगा है वो रीड कर लेगा, लेकिन जो बाकी एलसीडी में क्या रहता है, पीछे लाइट के लिए मिरर के लिए रिफ्लेक्टर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है लाइट बाहर की तरफ निकले पीछे की तरफ ना जाए, तो आपका जो पीछे कैमरा लगा वो भाई कैसे देख पाएगा, आप अंगूठा लगाते ही कैमरा उसे रीड ही नहीं कर पाएगा, जब कैमरा नहीं रीड कर पाएगा तो उसमें आएगा नहीं। तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि हमारे जहाँ पर ओलेड लगी होती है या अमोल्ड लगी होती है, एलईडी को ओलेड, अमोल्ड, सुपर अमोल्ड, ऐसा कुछ भी नाम से उसे संबोधित किया जाता है, लेकिन होती कौन क्या है, वो एलईडी है। तो इसे हम लोग एलईडी डिस्प्ले बात करते हैं। अब दूसरी बात करेंगे कि ये मैंने आपको डिस्प्ले की क्वालिटी बताई। डिस्प्ले अपनी चार क्वालिटी की आती है, सबसे पहली 7 सेगमेंट डिस्प्ले, एलसीडी, टीएफटी और एलईडी। अब देखिए मैं आपको नोट में एक चीज समझाना चाहता हूं, डिस्प्ले की कोई टेस्टिंग नहीं होती है, डिस्प्ले की कोई टेस्टिंग नहीं होती, मतलब डिस्प्ले को कोई चेक करने का तरीका नहीं बना हुआ कि आप डिस्प्ले को चेक कर पाएं, तो डिस्प्ले की कोई टेस्टिंग नहीं होती है। डिस्प्ले ब्रेक स्पॉट लाइन आने पर खराब है, डिस्प्ले ब्रेक हो जाए, स्पॉट आए, लाइन आए, तो डिस्प्ले हमारी क्या है, खराब है। डिस्प्ले में ब्लैंक या वाइट आए तो खराब है, डिस्प्ले में ब्लैंक या वाइट आए तो खराब है। डिस्प्ले न्यू लगाते हैं, डिस्प्ले क्या काम करते हैं, हम नई लगाते हैं, नई डिस्प्ले को हम लगाते हैं, तो ये डिस्प्ले रहता है कि डिस्प्ले कोई टेस्टिंग नहीं होती है, डिस्प्ले को ओनली चेंज किया जाता है, डिस्प्ले को हम लोग मल्टीमीटर के द्वारा ऐसे नॉर्मली चेक नहीं कर सकते, उसको या तो किसी दूसरे बोर्ड में लगा कर चेक किया जाता है, या डिस्प्ले को चेक करने के लिए छोटे छोटे टेस्टर आते हैं, छोटे छोटे सर्किट आते हैं जिनके द्वारा डिस्प्ले को चेक कर लेते हैं कि रेड ग्रीन ब्लू कलर सही है कि नहीं सही है, उसमें प्रॉपर जो कुछ नंबर लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ों को बेसिकली टेस्ट करते हैं। लेकिन वो मीटर आते हैं वो हम लोगों के पास नहीं होते, वो लोग जो डिस्प्ले बनाने वाले होते हैं या डिस्प्ले टेस्टिंग करने वाले होते हैं उनके पास होते हैं। तो ये आपका डिस्प्ले के बारे में मैंने आपको बताया है। तो जैसा कि आज सारे स्टूडेंट सब लोगों ने हम लोगों ने सीखा हुआ है कि डिस्प्ले को किस तरीके से पहचानते हैं, डिस्प्ले क्या काम करती है, डिस्प्ले को मोबाइल फ़ोन में कैसे निकाल के लगाया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आज क्लास के बारे में आपको बताया हुआ है। तो आप सब चीज़ के बारे में समझिए, उसका प्रैक्टिस करिए और इन चीज़ों को नोट करिए। मैंने आपको बताया अपना नंबर है 6391711711, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। आज मेरे पास जैसे एक लोग थे उनका कमेंट्स आया था, वो फ़िलहाल जैसे मतलब बाहर से हैं, उन्होंने मैसेज किया कि सर ने मेरा मैसेज रीड किया लेकिन मैसेज रीड करने के बाद मुझे रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन मैं आपको उसके लिए सॉरी कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम आपका कोई मैसेज रीड करें हम आपको रिप्लाई ना दें,
दूसरी बात क्या रहती है कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर से, आप जैसे लोग ही हैं जो बाहर से यहाँ पर रह करके कोर्स सीख रहे हैं, अगर हम कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं तो उस कंडीशन पर क्या होता है, ये अपना इवनिंग का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है कि शायद मुझे लगता है 8:30 या 9 बजे का समय होता है जिस समय पर हम वीडियो को बनाते हैं, और वीडियो बनाने के बाद हम आपको भेजते हैं ताकि आपको उससे हेल्प हो सके, आप सब चीज़ों के बारे में सीख सकें। लेकिन उस टाइम पे दिन में मॉर्निंग में मेरे पास क्या रहता है, 8 से 10 हो गया, 10 से 12 हो गया, 12 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, तो इस तरीके से मेरे पास क्या होता है, कंटिन्यू बैच लगे होते हैं। उस कंडीशन पर हम आपको सारे स्टूडेंट को बैच में क्लास करा रहे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस समय पर फ़ोन में आपको कोई चीज़ मैसेज या उनको आंसर दे सकूं या रिप्लाई दे सकूं। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने कोई मैसेज किया हुआ या आपने कोई सजेशन मुझसे मांगा हुआ है तो आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा, या आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उस कॉल के लिए अगर ये 711 711 वाला नंबर नहीं उठ पाता तो आप 211 211 वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ोन के अंदर जो भी परेशानी आती है आपको हेल्प मिल जाएगी। या बहुत ऐसे पर्सन हैं जो अपनी शॉप खोल करके दुकान चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उस समय पर अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, उस प्रोफेशनल टूल में जैसे ऑर्गन मशीन हो गया, आयरन हो गया, चिमटी हो गया, सोल्डिंग आयरन सेस्ट, या और भी चीज़ें जो OCA मशीन हो गया, या माइक्रोस्कोप वगैरह हो गए, या IC के लिए कोई ऐसा सामान हो गया, IC के लिए कोई प्रोफेशनल टूल हो गया, तो अगर आप कोई सामान मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करके उस सामान का रेट ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपना वहीं पर अपनी शॉप पे सामान मंगा सकते हैं। आपको ये बात की सिक्योरिटी है कि आपको सामान आपको मिलेगा, और बिल्कुल हम जो भी सामान आपको भेजते हैं, जो भी स्टूडेंट के लिए टेस्टेड एक एक करके सामान होता है ताकि वो उनके पास बेहतर परफॉर्मेंस दे, काम करे, अच्छे से वर्क करे। सामान ऐसा नहीं होता कि हमारा ये ओपिनियन नहीं रहता कि हम आपको कोई बड़ा सस्ते के चक्कर में कोई कम पैसे का सामान दे दें, लेकिन कम पैसे का सामान जो रहता है वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव ये करता है जा करके कि वो अच्छे से काम नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जैसे आपके पास हॉटगन मशीन है, अगर हॉटगन मशीन 1000 1200 1500 रुपए की भी मिल जाती है, लेकिन 1000 1200 1500 की हॉटगन ऐसी होती है कि आप कोई भी पार्ट को निकालते रहे निकलेगा नहीं, हॉटगन का हैंडल बाहर निकल के आ जाएगा, हॉटगन जल जाएगा लेकिन पार्ट्स नहीं जलेगा, क्यों? आपकी यही क्वालिटी होती है, सिर्फ अगर आपके पार्ट्स अच्छे नहीं होंगे, इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं होंगे तो आपको रिपेयरिंग करने में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी कि पता चला आप हीट देते रह गए, आपको चार्जिंग जैक नहीं जला, बोर्ड जल गया, चार्जिंग जैक भी जल गया, इतनी ज़्यादा ओवर हीट हो जाती है क्योंकि उसका टेम्परेचर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देख करके कोई भी टूल्स लें, वो बेहतर टूल्स लें। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं कि सर कौन सा टूल बेहतर रहेगा, कैसे काम करेगा, मैं आपको उसका डेमो भी दूंगा, उस टूल्स का वीडियो है मेरे पास, सारे एक एक करके टूल्स हैं, उस टूल्स में क्या बेहतर रहता है, क्या क्वालिटी होती है। बहुत ऐसे मशीनें आती हैं जिसमें कहते हैं प्लास्टिक का पार्ट्स नहीं जलता, क्या रीज़न होता है जो प्लास्टिक का पार्ट्स नहीं जलता, क्या बातें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो मैं अगर इस लाइन में ट्रेनर हूँ तो आपको एक एक करके जो भी प्रोफेशनल टूल से संबंधित सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज मिल सकती है, और आप मुझसे फ़ोन करके पता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को देखिए, इन्जॉय करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जैसे जो पर्सन हैं उनकी हेल्प हो सके, और वो सीख सकें और अपना छोटा मोटा व्यवसाय अपना काम कर सकें, ताकि उनको कभी कोई परेशानी कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको, चलिए मैंने आपको एक गलती कर दी कि मैंने आपको थैंक यू तो बोल दिया लेकिन मैंने आपको डिस्प्ले के बारे में तो दिखाया ही नहीं। अब क्या, अब फिर बाद में बहुत लोग के कमेंट्स आएंगे, अरे सर ने तो मुझे डिस्प्ले के बारे में बताया नहीं, बता समझा दिया लेकिन सारा चीज़ दिखाया नहीं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके आपको डिटेल समझाता हूँ, सारी चीज़ें एक एक करके वन बाई वन करके आपको डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, जैसे मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन आ गया, इस मोबाइल फ़ोन में ये डिस्प्ले लगा हुआ, ये आपका सोल्डिंग का डिस्प्ले है। कौन सा डिस्प्ले है? सोल्डिंग वाला डिस्प्ले। इस डिस्प्ले में देखिए यहाँ पर पिनें लिखा हुआ, जैसे 1 से लेकर 37 पिन लिखा हुआ है। ये डिस्प्ले में छोटा सा लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट पत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट पत्ता बोलते हैं। अगर ये पत्ता ख़राब हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगा, रोशनी नहीं जलेगा। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले क्रिस्टल। अगर ये एरिया चटक जाएगा, टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो आपका डिस्प्ले बेकार आएगा, डिस्प्ले नहीं आएगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी। इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले क्रिस्टल, LCD क्रिस्टल कैसे लगी होती है। उसके बाद फिर आपका ये डिस्प्ले है, इसे हम लोग बोलते हैं जैक का डिस्प्ले। इसमें देखिए आपका जैक का ये पत्ता लगा हुआ है, ये लॉक होता है, इसको आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। जो भी एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसा रहता है, जो भी मॉडल के डिस्प्ले होते हैं उसके मॉडल नंबर वर्जन मॉडल से आती हैं, जैसे MI 5 पे, Realme C2, Oppo A37, A3s, या Reno, या जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं M31s, जो भी मॉडल आते हैं उस मॉडल का डिस्प्ले काम्बो नाम से ही आते हैं।
ये देखिए इसमें लाइट का पत्ता लगा हुआ है और ये आपका डिस्प्ले का पत्ता लगा हुआ है। ये एक फ़ोन है उसका डिस्प्ले को कट किया हुआ है, अलग सेपरेट करके बच्चों ने रखा हुआ है। ये जो एरिया होता है इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले क्रिस्टल। अगर आप इसमें देखेंगे ये जैसे टूटा हुआ है, देखिए ये दिख रहा है टूटा हुआ है, इधर का सही है, इधर का टूटा हुआ है। अब ये टूटा होने का कारण का मतलब क्या है, इस डिस्प्ले में यहाँ से ऐसे लाइनिंग आ जाएंगी, क्योंकि ये जो पत्ता जो होता है, मैं आपको ज़रा पत्ते को तोड़ के भी दिखाता हूँ आज, देखिए आपको पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये आपका पत्ता लगा होता है, ये पत्ता यहाँ पर सोल्ड नहीं होता, सिर्फ क्या होता है चिपका होता है। अगर आप देखेंगे मैं इसको निकालता हूँ, देखिए ये पत्ता मैंने निकाल दिया, ये पत्ता सिर्फ क्या है यहाँ पर चिपका हुआ है, सोल्ड नहीं है। अगर जाहिर सी बात है ये ट्रैक्स कट जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, तो आपकी डिस्प्ले क्या हो जाएगी, नहीं आएगी। इनसे सिग्नल सप्लाई जाती है तो आपके डिस्प्ले में यहाँ पर ग्राफिक्स आता है, इमेज छपती है। तो ये प्रोसीजर होता है, बस डिस्प्ले में फ़र्क क्या हो जाता है, डिस्प्ले की कनेक्टिविटी का है। जो तरीका सोल्डिंग वाला होता है वही तरीका अपना जैक वाला हो जाएगा, ये डिफरेंस हो जाता है और ये आपका क्रिस्टल होता है। तो ये जैसा कि मैंने आपको डिस्प्ले के बारे में दिखाया हुआ है, तो सारे स्टूडेंट जो वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, मदद हो सके। आप जो भी स्टूडेंट हैं ना, अगर आप मेरी वीडियो को शेयर करते हैं, शेयर करने के साथ साथ क्या होता है कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो आप मुझसे कोई भी पूछना चाहते हैं, हमारे लिए भी हौसला अफजाई होती है कि चलिए सर के द्वारा मतलब उन्होंने हमको लाइक दिया, अच्छा लगता है। तो आप सारे लोग वीडियो को देखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।